जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे लेसन चैप्टर जो है हमारा फोर, मेंटेनिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स। क्या पढ़ेंगे? चार्ट ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे। जैसे कि हर चीज का एक कोई ना कोई अंडर ग्रुप होता है, चीजें होती हैं, कैटेगरी होती है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है माउस और कीबोर्ड का कन्वेक्शन कुछ दिया हुआ है, सुनिएगा ध्यान से। टैली में कीबोर्ड या माउस का प्रयोग करते समय अगर किसी अल्फाबेट्स के नीचे सिंगल लाइन बनी हो, इसका मतलब है उसको क्या करेगा? अल्ट ए पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? सुन लीजिए मेरी बात। अगर मान लो कोई शॉर्टकट की दिया हुआ है कोई अल्फाबेट्स के नीचे, चाहे कोई भी अल्फाबेट हो, उसके नीचे अगर सिंगल लाइन बनी है, यानी उसके शॉर्टकट की का मतलब क्या है कि उसको अल्ट के साथ ही दबाना है। अगर किसी अल्फाबेट्स के नीचे डबल अंडरलाइन बनी है, इसका मतलब क्या है? उस अल्फाबेट्स को कंट्रोल के साथ दबाना है। लिख लीजिए। तो जिस अल्फाबेट्स के नीचे सिंगल लाइन बनी होगी उसको अल्ट के साथ दबाना है, जिसके नीचे डबल लाइन बनेगी उसको कंट्रोल के साथ दबाना है। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। याद रखिएगा, किसी भी अल्फाबेट के नीचे अगर सिंगल लाइन बनी है तो अल्ट के साथ दबाना है, किसी भी अल्फाबेट के नीचे डबल लाइन बनी है यानी कंट्रोल के साथ दबाना है। हो गया? चलिए अगला है स्विचिंग बिटवीन द स्क्रीन एरिया। कह रहा है जब टैली सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम लोड किया जाता है तब जो पहली स्क्रीन जो दिखती है टैली की, उससे हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। क्या बोलते हैं उसे? गेटवे ऑफ टैली। मतलब जो स्क्रीन डिस्प्ले होती है, जो पहले जैसे टैली खोलते हैं कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, पहली स्क्रीन जो दिखती है उसे क्या बोला जाता है? गेटवे ऑफ टैली। अगर हम अगर क्या कर रहा है अब हम अगर मेन स्क्रीन एरिया से कैलकुलेटर पैनल पर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल, यानी कि टैली में अगर कैलकुलेटर ओपन करना है हमें तो हम कंट्रोल यन का यूज कर सकते हैं। लिख लीजिएगा, एफआई में दिया हुआ है कि कंट्रोल यन से हम क्या ओपन कर सकते हैं? कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। कहाँ? टैली। कंट्रोल यन शॉर्टकट। हो गया? चलिए आगे चले चले। और मेन स्क्रीन पे जब आना है, कंट्रोल यम तो आ गया, या कंट्रोल यम दबाएंगे तो क्या होगा? उससे मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हमें कंपनी बनानी होती है, डायरेक्टरी की बात होती है, कंपनी कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें। तो पहली चीज, आजकल हम लोग अपडेटेड वर्जन पढ़ रहे हैं, पता है ना? पहले टैली ईआरपी 9 चलता था। क्या चलता था? टैली ईआरपी 9 चलता था। अभी क्या चल रहा है? टैली प्राइम चल रहा है, यानी हम लोग अपडेटेड वर्जन पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? अपडेटेड वर्जन। हाँ, तू देखो मेरा। हाँ
उसने नहीं बुला रहा था, वो कह रहा हो कि कल मार्जिन वाला ये पाया है। पढ़ते रह जाएंगे, नॉलेज नहीं मिलेगा। जो एक सेंटेंस पे बताऊंगा उससे होगा। अब वो आईडी कार्ड पहन लीजिए, जो आईडी कार्ड नहीं पहने आईडी कार्ड पहन लीजिए। अब देखिए यहाँ पे तो डायरेक्टरी की बात कहा है कि डायरेक्टरी बना दे, जैसे कह रहा है क्रिएट ए कंपनी नेम गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड विद फाइनेंशियल ईयर। तो जानते ही है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, क्योंकि इस टाइम कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक ये फाइनेंशियल ईयर चलेगा, इसी नाम से कंपनी बनेगी हमारी। ठीक है, तो कैसे काम करेंगे चलिए अब किया जाएगा। कराया कि कंप्यूटर का डायरेक्टरी क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि ड्राइव लोकेशन भी दिखाते हैं कि हमारी कंपनी कहाँ सेव होगी, इसकी डाटा कहाँ सेव होंगे, ये सारी चीजें होती है डायरेक्टरी के। क्या कि कंप्यूटर का वह ड्राइव या लोकेशन जहाँ पर हमें कंपनी का डाटा स्टोर करना है, इसे हम पाथ को लिखते हैं, जहाँ पर हम अपनी कंपनी के डाटा को स्टोर करना चाहते हैं। डायरेक्टरी का मतलब यही होता है कि हम अपनी कंपनी के डाटा को कहाँ सेव करना चाहते हैं, उस पाथ को सिलेक्ट करते हैं, उस पाथ को लिखते हैं। ठीक है, कि कहाँ सेव करना है। कह रहे हैं टैली में हमें एक डिफॉल्ट लोकेशन देना होता है ताकि बैक जो भी है बैक स्पेस दबाकर लोकेशन का क्या कर सकते बदल सके। हमें कभी भी डायरेक्टरी को सी ड्राइव में नहीं सेट करना चाहिए। क्यों सी ड्राइव में नहीं कर रहा है, क्योंकि जब भी सिस्टम की फॉर्मेटिंग होती है सी ड्राइव की फॉर्मेटिंग होती है, और जो भी आपका डाटा होगा वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसीलिए कभी भी डाटा बनाया जाता है सी ड्राइव को छोड़ के अन्य किसी भी ड्राइव में बनाइए। ठीक है, हम लोग डी ड्राइव में बनाया जाएगा। ठीक है, हाँ, और कंपनी का नाम क्या रहेगा, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड रहेगा। ठीक है, कंपनी नेम, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग कहाँ से शुरू होगा, ये सारी चीजें सेट करनी होती है। बुक्स ऑफ बिगनिंग में क्या होगा, सेम चीज होगा जब फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग होगा, और ऐसे ही कंपनी हमें बनानी है। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे कि जो आपका सिस्टम है वो, वैसे सारे लैब में सारे सिस्टम 64 बिट्स के हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि पहले तो आप चेक करेंगे कि आपका सिस्टम कितने बिट्स का है, क्योंकि जो टैली प्राइम अपडेटेड वर्जन आया है वो 64 बिट्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करता है। तो कैसे चेक करेंगे कि आपका सिस्टम कितने बिट्स का है, कौन सा विंडो है आपके सिस्टम में, जो यहाँ दिस पीसी बना होता है इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसके प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, प्रॉपर्टीज में, या प्रॉपर्टी में जाने की शॉर्टकट की बताया है आप लोग को, अल्ट प्लस इंटर लिख लीजिएगा, अल्ट प्लस इंटर। हो गया वो, आगे चले। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे यहाँ दिखा रहा कितने जीबी का रैम है, 2 जीबी का। प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर का पूरा नाम लिखा हुआ है। देखिए कितने बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों, देखिए है ना 64 बिट्स का, यानी हम टैली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और कौन सा एडिशन है सारी चीज दिखाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो दिखाएगा कौन सा एडिशन है, विंडो 10 प्रो, विंडो 10 प्रो यूज कर रहे हैं हम लोग। 10 प्रो, प्रो का मतलब होता है प्रोफेशनल। ठीक है, यही यूज कर रहे हैं हम लोग, बंद कर लीजिए। यानी टैली ऑलरेडी हमारा टैली इंस्टॉल है, और देखिए यही आपका टैली का लोगो है आपका, देख ही सकते हैं आप लोग, बस ओपन करेंगे। अब आप लोगों को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ठीक है, सबके में सिस्टम में है, हाँ फुल है फुल।
हो गया। अब यहाँ देखिए बहुत सारी यहाँ फीचर्स दिए हुए हैं, किस पे आपको काम करना है, एजुकेशनल मोड पे, लाइसेंस पे रीएक्टिवेट करना है, एक्टिवेट लाइसेंस नया एक्टिवेट करना है। तो हम लोग शिक्षा के मोड पे हैं, एजुकेशनल मोड पे काम करेंगे। तो पहला लेसन लेके चलेंगे, ठीक है ना, हमको लाइसेंस पे काम करना है, ना नया लाइसेंस एक्टिवेट करना है, ना रीएक्टिवेट करना है, कुछ नहीं, एजुकेशनल मोड पे काम करना है। यहाँ आने के बाद से आपको जाना है यहाँ पे, कहाँ पे हो सकता है आपका इंटरफेस ही ना आए, आपका इंटरफेस ही आए, कंपनी में जाइए और यहाँ पे क्या करिए, कहाँ जाइए सिलेक्ट कंपनी पे, कहाँ पर जाइए सिलेक्ट, हो सकता है आप लोग ओपन कर तो ऐसा इंटरफेस आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा है ऐसा तो आप ऐसे कर लेंगे कंपनी में जाके, देखिए उसके के नीचे सिंगल लाइन बना है ना, अल्ट के साथ के दबाएंगे, देखिए अल्ट के साथ के दबा रहे हैं, आ गया, आपको जाना है सिलेक्ट कंपनी पे, और यहाँ जाने के बाद आप आएंगे कहाँ पे, क्रिएट कंपनी, कहाँ आएंगे, और यहाँ अब आपको यहाँ पे आ गए, पीछे आना है तो देख लीजिए, यहाँ आगे पीछे करना है तो बैक स्पेस का यूज करेंगे, और बाहर निकलना है तो एस्केप, एस्केप बटन से, और आगे पीछे करना है तो बैक स्पेस से, पीछे होगा इंटर से आगे होगा। अब देखिए जैसे डेली जो लिखा हुआ डी टैली डाटा, इस पे हमें जाना है तो हम क्या दबा देंगे, बैक स्पेस आगे, और यहाँ पे आपको अपने पास से बनाना है, क्या बनाना है, डी ड्राइव में कॉलन लगा के, कॉलन फॉरवर्ड स्लैश लगा लीजिए, लिख लीजिए टैली कितना है आप लोग का 2 PM, आप लोग को मैं बना दे रहा हूँ, अब मैं अपना टाइटल दे रहा हूँ SR, ताकि समझ में आएगा मेरी कंपनी है, मैंने लिख दिया, तो आप लोग भी किस नाम से बना लीजिएगा, इसी तरह डी ड्राइव में कॉलन लगा के फॉरवर्ड स्लैश टैली, आप लोग भी 2 PM लिख दीजिएगा और अपना नाम लिख दीजिएगा, 2 PM के बाद क्या करिएगा, अपना अपना नाम, ताकि पता ना, क्योंकि कई लोग कंपनी बनाए होंगे, कई लोग 2 PM पे पढ़ते हैं ना, इस तरह इंटर करेंगे तुरंत दिखाएगा आपका यही पास है ना, चलिए आप लोग लिख लीजिए पास का तरीका क्या रहेगा, लिख लीजिए आप लोग भी, इसी तरह आपका पास का तरीका रहेगा, नोट करिए जल्दी से, हो गया। तो मतलब आप लोग ऐसे बनाने लास्ट में चेंज कर लीजिएगा आप, तो देखिए फिर अगेन इंटर दबाएंगे, पूछेगा बनाना चाहते हैं, डू यू वांट टू क्रिएट, क्या कर देंगे, यस इंटर दबाएंगे तो यस हो जाएगा, बन गया, फिर इंटर दबा देंगे, देखिए जिस नाम से आप बनाना चाहते थे उस नाम से बन गया। हाँ अब कंपनी का नाम क्या रहेगा, तो आपके यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी का नाम क्या रहेगा, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड, ये रहा डी डाटा में रजिस्टर बनाए हैं हम लोग, बना लिए गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड, किस नाम से, यहाँ बनाइए गायत्री कंप्यूटर LTD, ठीक है इंटर इंटर, एड्रेस में रेलवे स्टेशन रोल, क्या दिया उसमें, पटना कुशीनगर नूनिया पट्टी भी दिया क्या, रेलवे स्टेशन रोड पटौना कुशीनगर, क्या देखेंगे पटौना पटौना उसके बाद, ठीक है इंटर इंटर, सुनिए ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है, कि आपका स्टेट क्या है, आपका स्टेट क्या है, यू दबाएंगे तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा, और ये सब माउस से यूज नहीं करना है, सब कीबोर्ड से होगा, डाउन एरो दबाइए उत्तर प्रदेश हो गया, इंडिया पिन कोड 2743 04 इंटर। अब मोबाइल नंबर मांग रहा है, मोबाइल नंबर में क्या डालेंगे, डायरेक्टर सर का नंबर डाल दीजिए 99, आप अपना डालिएगा 3513132 इंटर, फैक्स नंबर है नहीं, ईमेल आईडी क्या दिया हुआ है, ईमेल आईडी देखिए क्या दिया हुआ है, info@giteducation.com education .com है, हाँ
बता रहे वेबसाइट में www.git.education.com और इंटर करेंगे आपका फाइनल से ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 ही होना चाहिए और नीचे भी बिगनिंग बुक भी क्या होगा 1 अप्रैल 2023, ठीक है। डेट पे ध्यान दीजिए, डेट दिक्कत नहीं होनी चाहिए डेट में। इंटर करेंगे यहाँ पे इंडियन रुपीज रहेगा, करेंसी आपकी रुपीज रहती है। इंटर करेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखते रहिएगा, इंटर करते आते रहिए। ये रहे जीएसटी पूछ सकती है ध्यान से, जैसे यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है इनेबल जीएसटी, जीएसटी तो इनेबल करना है भाई, बिजनेस है जीएसटी तो इनेबल होगा, इंटर कर दीजिए। दूसरा उत्तर प्रदेश है, हाँ कैसे डीलर है आप, रेगुलर की कंपोजिशन, तो कैसे डीलर रहेंगे हम लोग रेगुलर पे काम करते। इंटर जीएसटी अप्लीकेबल 1 अप्रैल 2023 से, जीएसटीआईएन नंबर में जीएसटीआईएन नंबर डाल देंगे क्या सबका है, नए वाली बैच में बोलेंगे 09। देखिए उसमें लिखा होगा APMPB लिखा है 12/31 M1ZD, आप लोग भी ऐसे लिख लीजिए तो देखिए क्या करेक्शन करने आए उसमें। हाँ वही इंटर करेंगे आप कुछ नहीं करना है बस एक बार इंटर एक्सेप्ट कर लीजिए, बस कंपनी बन गई, यही बनाना है आपको, बस आज कंपनी बनाना है, कंपनी बन गई बस कंपनी बनाइए आज, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनाऊंगा, कंपनी बनानी है आज। और सुनिए इसको बंद कैसे करेंगे, कभी भी अपनी कंपनी बंद कर लीजिएगा क्योंकि बच्चे डिलीट कर देते हैं। कैसे बंद करेंगे, कंपनी में जाएंगे और यहाँ शर्ट दिया है शर्ट, और फिर दिखा रहा है गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड, हाँ इंटर कर दीजिए, बंद हो गया, देखिए आपकी कंपनी बंद हो गई। कैसे ओपन करेंगे कंपनी पे जाएंगे, सिलेक्ट पे जाएंगे, इस बार क्रिएट नहीं करेंगे, अब क्रिएट तो नहीं करना है, अब कहाँ जाएंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में, किस ड्राइव बनाए हैं, डी ड्राइव में, किस नाम से बनाए हैं, टैली 2PM SR याद आ रहा है ना, बस इंटर, कंपनी खुल गई, कर लेंगे, बाकी और बताऊंगा आपको, फिलहाल में आजकल कंपनी बनानी है आपको, बस ठीक है, कर लीजिएगा, थैंक यू क्लास। Thank you.